हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड हिज वर्ल्ड। यहाँ पे मैं बात करती हूँ मेकअप, रेसिपीज, लाइफस्टाइल और मेनी मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स्ड वेज ऑमलेट करी। ये बहुत ही टेस्टी डिश है और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज होता है, तो इसके लिए ये हेल्दी भी है। बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाना कितना मुश्किल है और ये डिश उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। दे विल लव इट फॉर श्योर। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं मिक्स वेज ऑमलेट करी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 6 एग्स, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, श्रेडेड कैरेट, फाइनली चॉप्ड बीन्स, फाइनली चॉप्ड ऑनियन, फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम एंड 1 टीस्पून पेपर पाउडर। आलू मैंने यहाँ पे क्यूब में बड़ा बड़ा काट लिया और ले लेंगे रफली चॉप्ड ऑनियन, रफली चॉप्ड टोमेटो, कुछ कलिया गार्लिक के ग्रीन चिलीज, जिंजर, 1 टीस्पून कोरिएंडर एंड 1.5 टीस्पून जीरा। तड़का के लिए मुझे चाहिए जीरा, सिनेमन, लौंग, इलायची और बेल लीव्स। और इधर मैंने ले लिया है गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और शुगर एंड टर्मरिक एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से एंड ऑयल। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल ले लिया और उसमें ऐड कर देंगे वो रफली चॉप ऑनियन। उसके बाद एक एक करके ऐड करते रहेंगे रफली चॉप टोमेटो, गार्लिक और जिंजर। और ये बनेगा हम लोगों का फेस नंबर 1। और ये जो है इसको हम लोग ब्राउन होने तक थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग छोड़ देंगे और ये ठंडा हो जाए तो इसको हम लोग एक पेस्ट बना लेंगे। और ये जो ग्रीन चिलीज, जीरा और धनिया है उससे बनेगा पेस्ट नंबर 2। एक बड़ा सा बोल में हम लोग एक एक करके अंडा फैट लेंगे और उसमें हम लोग थोड़ा पेपर पाउडर, थोड़ा टर्मरिक और सॉल्ट देकर अच्छे से फेंट लेंगे। फिर हम इसमें एक एक करके चॉप वेजिटेबल्स जो मेरे पास है वो सब ऐड कर देंगे और ग्रीन चीज भी ऐड कर देंगे उसमें। और बहुत अच्छे से ये एग और वेजिटेबल जो भी है सबको अच्छे से मिला लेंगे। फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा ऑयल ब्रश कर लिया और ऑमलेट के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बैटर देते रहूंगी। ध्यान में रखिए बहुत ज्यादा बैटर मत दीजिए, ताकि ऑमलेट मोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनते, थोड़ा पतला रहेगा तो वो ठीक ठाक रहेगा। और उसको अच्छे से स्प्रेड करके मैं थोड़ी देर के लिए लीड लगा दूंगी। उसके बाद जब एक साइड अच्छे से हो जाएगा तो अपने कच्चे से धीरे धीरे करके ऑमलेट को रोल कर लीजिएगा। ये बहुत सावधानी से कीजिएगा ताकि टूट ना जाए। और इसी तरह मैंने मेरा बाकी जो ऑमलेट है वो भी फ्राई कर ली। यहाँ पे मैंने अपने पैन गरम कर लिया, उसमें तेल देके मैं आलू को थोड़ा फ्राई कर लूंगी, थोड़ा टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट देके। आलू को गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिएगा। इन बिटवीन मैंने जो फ्राई किया हुआ ऑनियन और वो सब मिक्सचर था वो ठंडा हो गया, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स में पेस्ट कर लूंगी और ये बन गया मेरा पेस्ट नंबर 1। पैन में मैंने थोड़ा ऑयल गरम करके तड़का के लिए जो जो सामान लिए थे वो सब डाल दूंगी और उसके बाद मैं उसको पेस्ट नंबर 1 भी डाल दूंगी। उसके बाद उसके साथ थोड़ा सॉल्ट, टर्मरिक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से भून लूंगी। आफ्टर 2 मिनट्स मैं इसमें पेस्ट नंबर 2 ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं अभी शुगर ऐड कर दूंगी और मेरा जो आलू मेरा फ्राई किया हुआ रखा था वो भी मैं ऐड कर दूंगी और सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और तब तक मैं भूनती रहूंगी जब तक इसे पूरा पानी सूख जाए। फिर इसमें गर्म पानी डाल के बॉयल होने तक रख दीजिए लीड लगा के। ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबल आ जाए फिर आप उसमें स्लिटेड ग्रीन चिलीज डाल दीजिए
और ऑमलेट को मैंने इसे छोटे छोटे में काट लिया, वो भी हम अभी डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम छोड़ेंगे। इसे ज़्यादा अगर आप इसको रखेंगे तो ये टूट जाएगा। After 2 minutes हम लोग इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फिर मैंने गैस स्टोव बंद कर दिया और इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो बन गया मेरा ऑमलेट कारी, और आप लोग भी घर पे बनाइए और सबके साथ एंजॉय कीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हूँ मैं आप सबके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।